तो इसी बीच कुरुक्षेत्र से एक और बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ गई। आपको बता दें कुरुक्षेत्र से ये बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी की अब बदलेगा हरियाणा रैली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुंकार भरने वाले हैं, तो वहीं प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता इस रैली में मौजूद रहेंगे। अशोक तंवर समेत कई बड़े नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। निकाय चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान संभव है, उस वक्त की ये बड़ी खबर। देखिए, अब से कुछ ही देर पहले आपको बता रहे थे जहां पर कांग्रेस की तरफ से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन और रैली, तो वहीं कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी आज रैली कर रही है। निकाय चुनाव को लेकर बड़े ऐलान भी पूरी तरीके से संभव है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस रैली को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव से पहले ही ये रैलियां देखने को मिल रही है और काफी अहम ये सभी रैली मानी जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इस रैली को देखा जा रहा है। प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता भी इस रैली में मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं अशोक तंवर भी इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं। कई बड़ी घोषणाएं भी अरविंद केजरीवाल करेंगे, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर आप तस्वीर वहीं की देख रहे हैं जहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है, एक भव्य मंच सज चुका है। तो कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आम आदमी पार्टी की अब बदलेगा हरियाणा रैली आज है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुंकार भरेंगे, साथ ही साथ कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं और निकाय चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान पूरी तरीके से संभव है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज करेंगे। तो कई बड़ी घोषणाएं भी अरविंद केजरीवाल आज कर सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर निकाय चुनाव को लेकर भी संभवता ये जताई जा रही है कि कुछ बड़ी जानकारी यहां पर मिल सकती है। तो बड़े ऐलान आज देखने को मिलेंगे, आम आदमी पार्टी की अब बदलेगा हरियाणा रैली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुंकार भरेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं भी की जा सकती हैं और निकाय चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान संभव है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से हम पहुंचा रहे हैं आप तक, जहां पर कुरुक्षेत्र में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से रैली का आयोजन किया जा रहा है और रैली का नाम रखा गया है अब बदलेगा हरियाणा। निकाय चुनाव भी बेहद नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में उससे पहले ही ये तमाम रैलियां देखने को मिल रही है। शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस रैलियों को भी देखा जा रहा है। देखिए, आप तस्वीर देख पा रहे हैं, वहीं की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली बार बड़ी रैली यानी हरियाणा से, हरियाणा की धरती से संखना धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरती से आज यानी 29 मई को अरविंद केजरीवाल गरजेंगे और इसकी तैयारियों के लिए हरियाणा प्रभारी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता पिछले एक महीने से पूरे हरियाणा में जुटे हुए थे, लेकिन देर रात आंधी और तूफान ने रैली के पंडाल को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन अब फिर उसको एक बार खड़ा कर दिया गया है। क्या कहेंगे सर? ईश्वरम यतम करोति शुभम करोति। आम आदमी पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं ने पूरी रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को पुनः व्यवस्थित किया है। आज अभी दो घंटे बाद यानी 11 बजे अरविंद केजरीवाल जी यहां पे पहुंच रहे हैं। शंखनाद होगा हरियाणा के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। स्थानीय निकाय का शंखनाद हम करेंगे। आम आदमी पार्टी सभी 40 जगह सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। हम हरियाणा कैसे बदल सकते हैं? अच्छी बिजली, अच्छा पानी, 24 घंटे, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, रोजगार बच्चों को मिले, अच्छे स्कूल बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, इन सब बातों पर चर्चा। तो पूरे हरियाणा में आप घूमे हैं, अगर रैली सफल होती है, सफल मानी जाएगी, तो क्रेडिट उसका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसका क्रेडिट जाने वाला है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो पूरी रात मेहनत करते रहे, पूरे दिन मेहनत करते हैं और हरियाणा को बदलना चाहते हैं। तो पहली रैली है, इसके बाद और रैली प्लान हो रही है हरियाणा में? हाँ, अभी चुनाव में लंबा वक्त है, जगह समय समय पे रैलियाँ होंगी अरविंद जी पे। तो आज कितने स्टेज बनाए गए हैं और कितनी पब्लिक आने वाली है, जो अंदाजा क्या? लाखों की संख्या में पब्लिक आने वाली है। 5 स्टेज हमारे यहाँ पे बने हैं और सब बहुत सुंदर तरीके से कार्य। कुछ बड़े चेहरे आने वाले हैं, कुछ ज्वाइनिंग है? आम आदमी पार्टी में हर चेहरा बड़ा चेहरा है। आम आदमी पार्टी की खासियत ये है कि राजा के बेटे को राजा नहीं बनाते, आम व्यक्ति को विधायक बनाते हैं, आम व्यक्ति को सांसद बनाते हैं और आम व्यक्ति इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगता है, ना कि भ्रष्टाचार में लगता है। तो अब बदलेगा हरियाणा इस नारे के साथ पूरे कुरुक्षेत्र की जो दीवारें गलियां पटी पड़ी हैं और अब चलो कुरुक्षेत्र के नारों के साथ कुछ घंटों के बाद धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरती से आम आदमी पार्टी की रैली का शंखनाद होगा। रणदीप रोड़, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता रणदीप रोड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणदीप, जिस तरीके से
लगातार रैलियों का दौर देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की तरफ से अब बदलेगा हरियाणा रैली आज हो रही है, क्या कुछ अभी हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, रैली की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं, पब्लिक का आना है 45 डिग्री से ऊपर है और बड़ी बात यह है मेरी आयु से उड़ गया, उसके बाद जो पब्लिक के लिए बैठने की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बिना छत के, बिना इस तरह के ये कहें कि जो पंडाल है ऊपर छत नहीं है, सीधे तापमान के जो इस तरह से गर्मी के अंदर जो लोग हैं वो बैठे हैं और संख्या लगातार बढ़ रही है। जो प्रभारी हैं हरियाणा के या रैली के या आयोजक है वो इस तरह से पूरी कमान संभाले हुए हैं। ये माना जा रहा है कि सही समय पर जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, लेकिन संभावना ये भी जताई जा रही है कि निकाय चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव को लेकर के पहले ही कई बार हरियाणा प्रभारी ये बोल चुके हैं कि वो सिंबल पर लड़ेंगे और दमखम के साथ लड़ेंगे, सभी सीटों पर लड़ेंगे। शहरी निकाय चुनाव की जो घोषणा की गई है इस संबंध में वो पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन आज भी एक तरह से जो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आएंगे, हो सकता है कुछ ऐसी कोई इस संबंध में कोई बड़ी घोषणा की जाएगी। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ और कौन नेता यहाँ पहुंचेंगे? देखिए, हरियाणा के तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचने वाले हैं और इस संबंध में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हरियाणा प्रभारी हमेशा ये उनका एक तरह से स्लोगन रहता है कि सभी आम हैं, सभी खास लोग हैं, हमारे पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है सभी खास लोग हैं और खास लोग कौन कौन आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक तरह से पर्दे में रहता है, जब तक कोई नहीं आएगा तब तक मालूम नहीं हो पाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, हरियाणा के तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं, हरियाणा में जो लोग पिछले दिनों ज्वाइन किया जिन लोगों ने, बड़े चेहरों ने, जिसमें पूर्व मंत्री निर्मल सिंह हैं और हरियाणा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं अशोक तंवर, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ये तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और रैली का एक तरह से ये कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। जब तक अरविंद केजरीवाल नहीं आते हैं तब तक कार्यकर्ता इसी तरह से आना शुरू हो रहे हैं। जी चलिए, ठीक है रणदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, आगे भी हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है, यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आएंगे और साथ ही साथ रैली को भी संबोधित करेंगे।